नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आज आत्मसमर्पण करेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड हाई कोर्ट के ताजा फैसले से मुश्किलों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आत्मसमर्पण करेंगे। वे रांची की विशेष अदालत में दोपहर बाद सरेंडर करने पहुंचेंगे। उनको पिछले 3 साल से हाजिर होने के लिए लगातार कोर्ट नोटिस भेज रहा था, लेकिन वे अब तक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में पेश नहीं हुए। बता दें, राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को हेमंत सोरेन MPMLA की विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। मामला जमानतीय होने के कारण सरेंडर के साथ ही जमानत याचिका भी दाखिल की जाएगी। इस मामले में केस के IO द्वारा अदालत में चार्जशीट 3 साल पहले ही दाखिल की जा चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र की माने तो आज कुछ देर में रांची व लोहरदगा के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। 12 जून तक राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून समय से पहले पहुँचने का अनुमान है। झारखंड में 10 से 12 जून के बीच मानसून पहुँचने की संभावना है। नेतरहाट विद्यालय में चयनित छात्रों के रिजल्ट पर उठ रहे सवाल। झारखंड के लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए चयनित छात्रों के रिजल्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चयनित छात्रों में सबसे अधिक बच्चे 5 जिले से हैं। इनमें सबसे अधिक 83 बच्चे उत्तरी व दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से 66 व दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 17 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। गड़बड़ी की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कुछ सफल विद्यार्थियों का रोल नंबर भी इस एक ही क्रम संख्या में है। स्वरोजगार के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण दे रही सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को देवघर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में लाभार्थियों को अनुदान आधारित ऋण का स्वीकृत पत्र प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CMEGP से युवा बन रहा मालिक और अन्य को दे रहा रोजगार। उन्होंने कहा कि अब राज्य के युवाओं को अपने गांव और शहर में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के तहत विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन की बात भी कही। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से ई स्कूटी की सुविधा शुरू। मेट्रो सिटी की तर्ज पर टाटा नगर स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए ई स्कूटी की सुविधा की शुरुआत हुई है। इससे टाटा नगर पहुंचने और शहर से 2-4 घंटे का काम करके फिर से ट्रेन पकड़कर वापस लौटने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए फिलहाल 10 ई स्कूटी की व्यवस्था की गई है। चक्रधरपुर के DRM विजय कुमार साहू ने ऑनलाइन उद्घाटन कर ई स्कूटी सेवा की सुविधा की शुरुआत की है। वहीं टाटा नगर रेलवे स्टेशन परिसर में इसका उद्घाटन एक महिला द्वारा काटकर किया गया है। हाई कोर्ट के जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को आज शपथ दिलाएंगे। झारखंड न्यायिक सेवा के पदाधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लेंगे। हाई कोर्ट के हाइट हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सुबह 10 बजे उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन उन्हें पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें जज के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को हाई कोर्ट में न्यायिक सेवा के कोटे से जज नियुक्त किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में फर्जीवाड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में निजी अस्पतालों को दिए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में राजधानी रांची के 1.5 दर्जन अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इसमें कई बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। मांगे जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के रेमडेसिविर आवंटन का पूरा ब्यौरा ED को सौंप दिया है। स्वास्थ्य विभाग के औषधि निदेशालय ने इसकी जानकारी ED को देते हुए कहा कि रेमडेसिविर का वितरण निदेशालय द्वारा नहीं किया गया। इधर औषधि निदेशालय ने भी रेमडेसिविर के आवंटन और उपयोग की जांच अपने स्तर पर भी की है। पूजा सिंघल के राजदार का नया खुलासा। निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुसंधान के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 9 जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों से लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान 2 जिलों के DMO ने यह स्वीकार किया है कि उनसे
चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार ने उन्हें मनचाहे जिले में पोस्टिंग के लिए संपर्क किया तो उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अब ईडी की टीम सुमन कुमार व दोनों एमडीओ के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराएगी। झारखंड जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता। कोडरमा में आयोजित 17वीं झारखंड राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता 2022 रविवार देर रात संपन्न हो गया। इस प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में बोकारो को हराकर गढ़वा जिले की टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं बालक वर्ग में देवघर को हराकर बोकारो की टीम विजयी रही। रविवार देर रात बालक और बालिका वर्ग का फाइनल खेला गया। फाइनल मैच को देखकर लोगों में उत्साह दिखा। वहीं जीत के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी जश्न मनाते दिखे और नाचते गाते अपने जीत का जश्न मनाया। सहायक अभियंता नियुक्ति साक्षात्कार स्थगित। दिन में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यशैली की आलोचना करते हुए जमकर हड़काया। इसका असर यह हुआ कि रात होते ही झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड संयुक्त सहायक अभियंता सीधी भर्ती नियुक्ति को लेकर 30 मई से चल रहे साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है। यह साक्षात्कार 12 जून तक क्रमांक के अनुसार होना था। आयोग ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की है। आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे वाद की कार्रवाई का हवाला देते हुए साक्षात्कार अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय ने आज ही सुनवाई के दौरान इस नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। धन्यवाद।